हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सोमन, हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से एक वीडियो लेके आ गए। तो बेसिकली हम लोग इंडिया गए थे एक फैमिली इमरजेंसी में, लेकिन वो एक दिन के अंदर हम लोगों को घर खाली करना पड़ा और सेकेंड डे हम लोगों को इंडिया ट्रैवल करना पड़ा। मतलब दो दिन पहले तक भी हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोगों को इंडिया जाना पड़ेगा। और सीनरी वो ऐसे हो गया था कि आप लोगों को शायद पता है कि मैं ओंटारियो मूव कर रहा हूँ, मेरा जो नया जो जॉब मुझे मिला है उसकी वजह से मुझे मूव करना पड़ रहा है। और मेरा जो मूविंग डेट है वो अगस्त में था, अगस्त फर्स्ट को था। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ वो अभी हैलिफैक्स में, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोटिस दे दिया था कि मैंने 30 तारीख को मैं छोड़ दूँगा घर। और ऑल ऑफ सडन 16th को मुझे पता चला कि मेरे घर में कुछ इमरजेंसी हो गया और जिसके वजह से मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, कोई चांसेस नहीं है रहने का। तो 16 तारीख को हम लोगों ने रात को डिसाइड किया कि इंडिया ट्रैवल करना है। और 17 तारीख को हम लोगों ने एक दिन के अंदर पूरा अपना घर खाली किया और 18 तारीख को हम लोगों ने फ़्लाइट लेके हम लोग ट्रैवल किए। उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं, अभी टोरंटो हम लोग फिर से आ गए हैं, कल हम लोग वापस आए हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक जर्नी था 15 दिन का। और कल टोरंटो आने के बाद नया घर में हम लोग गए, जो नया घर 1 तारीख से हम लोगों को मिलने वाला था वहाँ पे कुछ नहीं था, एक नया मैट्रेस लेके हम लोगों ने रात को सोए, बाहर पिज़्ज़ा खाया। और आज सुबह को फिर से हम लोग हैलिफैक्स जा रहे हैं क्योंकि हैलिफैक्स में मेरा कार और जो भी सामान है सब कुछ है स्टोरेज में है, यू हॉल में मैं स्टोर करके आया हूँ। मैं इसका डिटेल्स मैं आप लोगों को बाद में दूंगा। मैं छोटा सा एक वीडियो में आप लोगों को देना चाहता हूँ, छोटा सा अपडेट। एंड मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किया कि क्यों हम लोग इतना दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। और हैलिफैक्स में जो फ्लड हुआ था, फ्लैट के बाद ही हम लोग इंडिया चले गए थे। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया हम लोगों के अच्छे के लिए, और आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं पूरा डिटेल अपडेट दूंगा कि मेरा टिकट कितने का आया। और ऐसा सिनेरियो आपके साथ भी हो सकता है अगर आप कनाडा में रहते हो या बाहर किसी भी कंट्री में अगर आप रहते हो और अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में हैं, तो ऐसा आपके साथ कभी भी हो सकता है। तो आपको कैसे इसके लिए प्रिपरेशन रखना चाहिए और मुझे क्या क्या तकलीफें हुआ, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के बाद मेरा जो था कि कनाडा में लोगों को क्यों मूव करना चाहिए वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है उसका रीज़न। मैं इसके पहले बहुत सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को बोला कि कनाडा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है अभी उतना आप लोगों का मार्क नहीं है, पर इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम मैं अभी एक्सपीरियंस करके आया हूँ। तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो दूंगा कि अगर आप मेरे ऐसे क्वेश्चन में अगर आप हो तो आपको क्या करना चाहिए और आपको डिसीजन क्यों लेना चाहिए कि आपको कनाडा क्यों मूव होना चाहिए। तो पूरा डिटेल मैं बाद में दूंगा, अभी तो मैं फ़्लाइट के लिए बैठा हूँ। मुझे टोरंटो से हैलिफैक्स मुझे जाना है और यहाँ पे अभी फ़्लाइट एक घंटा डिले हो गया। 7:45 मॉर्निंग को मेरा फ़्लाइट था, अभी बोला कि 9 बजे हम लोगों का फ़्लाइट है। तो एनीवे तो हम लोग बैठे हैं, तो सोचा कि छोटा सा एक अपडेट मैं आप लोगों को दूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले क्या हो रहा है और हम लोगों का वीडियो हम लोग क्यों अपलोड नहीं कर रहे। और फिर से हम लोग वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इंडिया में हो, अच्छे खासे पोजीशन में है, वो अच्छे खासा पैसा कमाते हो, सब कुछ सही है, फिर भी आपको कनाडा क्यों आना चाहिए, इसके ऊपर और एक मुझे तगड़ा रीज़न मिल गया जो आपके साथ वो मैच हो सकता है। तो वो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा 15 दिन का वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो देखते रहिए और ऐसे हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए और आप लोगों का प्यार हम लोगों को देते रहिए। थैंक यू।